अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के काउंसलर डेरिक शॉले का जामिया इस्लामिया मस्जिद कराची का दौरा। सैलाब ज़दगान के लिए मजीद 30 मिलियन डॉलर के इमदादी सामान की फराहमी का यकीन दिलाया। जामिया के दौरे के मौके पर अमरीकी काउंसलर ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कायम मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। इस मौके पर गुफ्तगू में अमरीकी काउंसलर डेरिक शॉले ने मजहबी इदारों के किरदार को सराहा। कहा, अमरीका पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियों का जायजा ले रहा है। The United States is closely following the situation here in Pakistan with the floods, particularly here in Sindh, which has been so severely harmed by these floods. उन्होंने कहा कि अमेरिका का अज़्म है राशन और जरूरी सामान की फराहमी के लिए 31 मिलियन डॉलर्स की इमदाद दी जाएगी। The United States has committed over $31 million in support just in the last several weeks. अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के काउंसलर डेरिक शॉले ने इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ से होने वाली मुलाकात के हवाले से भी आगाह किया और बताया कि वजीर आजम से मईशत, तालीम, सेहत और माहौलियाती तब्दीली समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है।